नमस्कार दोस्तों, क्रिकेट की गर्मा गर्म और नरमा नरम न्यूज में आपका स्वागत है। तो यार, आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो जरूर एक क्रिकेट लवर है। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे देश के एक अनमोल रतन रतन टाटा सर के लिए कमेंट बॉक्स में रिस्पेक्ट हो जानी चाहिए भाई। RIP लिख दे, रिप लिख दे सब। तो यार, इस वक्त पाकिस्तान और इंग्लैंड का टेस्ट क्रिकेट चल रहा था, जिसमें इंग्लैंड ने बहुत बुरी तरीके से पाकिस्तान को हराया है। पाकिस्तान ने अपने सर पर एक ऐसा कलंक लगा लिया है जो क्रिकेट इतिहास में पहली बार किसी टीम के सर पर ऐसा कलंक लगा है भाई। इन्हें आता जाता कुछ है नहीं और इनको क्रिकेट खेलना है भाई। क्रिकेट नहीं, तुम कुछ और खेलो भाई, गली के अंदर कंचे खेलो, कुछ भी खेलो, ताश खेलो, लेकिन क्रिकेट मत खेलो, क्योंकि तुम्हें खेलना आता नहीं है भाई। PCB भी अब सोचने लग गया है कि भाई कैसी टीम बना रहे हैं हम, एक तरह के निठल्ले, कोई चिक कुसी किसी एक तरह से निठल्ले, किसी काम के नहीं। तो यार, पाकिस्तान ने 556 रन बनाए थे पहली पारी के अंदर, उसके जवाब में इंग्लैंड ने 823 रन बना डाले, जिसकी बदौलत इंग्लैंड के पास में 250 रनों की लीड हो गई, 257 रन की लीड हो गई थी दोस्तों। उसके बाद में पाकिस्तान फिर से सेकंड पारी में आया, सोच रहा था, पांचवें दिन आया था, सोच रहा था भाई के मैच हम ड्रॉ करवा देंगे, और नीचे मीटर में भी यही दिख रहा था सबको कि भाई मैच ये ड्रॉ की तरफ जाएगा। लेकिन फिर इंग्लैंड के गेंदबाजों ने जो कारनामा करके दिखाया है, पाकिस्तान को इज्जत तार तार कर दी भाई। बांग्लादेश करके गया अभी थोड़े दिनों पहले, अब इंग्लैंड ने कर दी। तो इंग्लैंड इस मैच को 47 रनों से जीत लिया। 47 रन बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक पारी से भी जीत लिया है भाई। एक ही बार बैटिंग की इंग्लैंड ने, तो एक पारी और 47 रनों से जीत कर पाकिस्तान के ऊपर ये कलंक लग चुका है, क्योंकि इससे पहले पहली पारी में 500 रन बनाकर आज दिन तक कोई भी टीम हारी नहीं है। लेकिन ये कलंक अब पाकिस्तान के नाम चढ़ चुका है। PCB का जो भी दाव था वो उल्टा पड़ गया। वो सोच रहा था कि बाबर आजम रिजवान सबकी फॉर्म लौटा देंगे बैटिंग पिच बनाकर, और कहीं ना कहीं अगर जीतेंगे नहीं तो बंदों के रन बन जाएंगे, बैट्समैनों के रन बन जाएंगे, अच्छी बात है, ड्रॉ करवा लेंगे। लेकिन उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा कि भाई यार, ये क्रिकेट मैच हमारे हाथ से निकल गया है, क्योंकि जो रूट और हैरी ब्रुक ने, दोनों ने जबरदस्त बैटिंग का नज़ारा दिखाया है। अगर टेस्ट क्रिकेट खेला जाए तो वो इंग्लैंड से सीखा जाए भाई। किसी मैच को ड्रॉ की तरफ नहीं, वो जीतने की तरफ ले जाते हैं भाई। इंग्लैंड की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। वो सब किसकी वजह से पॉसिबल हो पाया है? ब्रैडहम मैकलम की तरफ से, उसकी वजह से ये सब पॉसिबल हो पाया है। उससे पहले टेस्ट क्रिकेट को एक बोरिंग फॉर्मेट समझते थे, लेकिन जब से मैकलम आए हैं भाई, उन्होंने बोला टक टक खेलने की जरूरत नहीं है, धाम धड़ाका से खेला जाए, जिससे भाई टेस्ट क्रिकेट में जो दर्शक आते हैं उन्हें भी देखने का आनंद आए। तो इस वक्त इंग्लैंड टीम तो यही कर रही है, और दूसरी टीमों से भी सीखना चाहिए। अभी हाल ही में इंडिया ने भी वो कारनामा करके दिखाया। इंडिया भी पूरे वर्ल्ड में डंका बजा चुकी है कि हमें किसी से कम मत आंकना, और क्योंकि वो तो यार वर्ल्ड में नंबर वन टीम है इंडिया, उसकी तुलना तो किसी से की भी नहीं जा सकती, और ख़ास करके पाकिस्तान से तो की भी नहीं जा सकती, क्योंकि ये तो निठल्ले हैं, किसी काम के नहीं भाई। मैं तो बोल रहा हूँ पाकिस्तान की पूरी टीम को हटा दो और U19 टीम में पाकिस्तान की उसे लाओ, फिर देखना कितना कमाल करते, क्योंकि ये किसी काम के नहीं है भाई। एक दूसरे से जलते हैं ये सब लोग। तो यार, वीडियो बिल्कुल आपको थोड़ा बहुत भी पसंद है, वीडियो को लाइक जरूर कर ले, और चैनल में नए तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं और किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, जब तक ख्याल रखना। जय हिंद।